हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे हैं बताइए, लिख कर कमेंट सेक्शन में। तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक वेन यू गो फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द key concept of mensuration very 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 much with attention, and like you have to grab those concepts inside you in a very effective way. So let us start our class. So we'll see today, we have divided the mensuration part into quite a few number of chapters, and aaj ki is class mein hum log discuss karenge only perimeter and area kise kehte hain, different jo objects hai uska perimeter janenge kaise nikalte hain aur uska area dekhenge kaise nikalte hain। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूँ कि हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडीज एकेडमी, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक बाय राइटिंग स्टडीज एकेडमी, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडीज स्कूल फ्रॉम 7 to 10। एज यू कैन सी द लिंक इज गिवन ओवर हियर एंड यू कैन सी द पेज ऑफ द टेलीग्राम चैनल, स्क्रीनशॉट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है उसका मॉड्यूल आपको वहाँ से मिल जाएगा, हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप वहाँ से प्रोवाइड करा जाएगा, और आपका होमवर्क वो होता रहेगा, और आपका जो डाउट्स मेन है, आपका डाउट्स जो डाउट्स है ये आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं, आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो अस बाई राइटिंग स्टडी जस्ट, ऑल्सो यू कैन जॉइन अवर दैट व्हाट्सएप ग्रुप बाई राइटिंग दिस नंबर 9933794423। And for more information, log into our website, that is www.studyjust.in. As you can see, the Android app looks like this. Download it from the Google Play Store. And here type ka jo service StudyJust provide karati hai, you can get the access from the app only. And so it is very important to download the app. You will get the live classes, recorded classes, your test series, and along with the study notes from app. So download it. And after downloading, it will look like this. Make sure you look this. Take look at this icon after downloading the app. क्या कि पता चला दूसरा कहीं पे आप डाउनलोड कर लिए, आप ढूंढ रहे हैं हम लोग का कोर्स तो नहीं मिलेगा ना। तो नेक्स्ट, दिस इज द यूट्यूब चैनल स्टडी जस्ट एकेडमी, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट इफ एनी फ्री कंटेंट गेट अपलोडेड ऑन द चैनल यू गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड दिस इज द फेसबुक पेज, मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडी जस्ट। चलिए शुरू करते हैं जो मेंसुरेशन का क्लास है, मैं बता रहा था। सो एट फर्स्ट विल लुक एट सम बेसिक डेफिनेशन, विल सी व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, लेट अस टेक दिस एज अ स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर राइट। तो इसका जो चारों साइड, इसका मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। मतलब इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो कहने का मतलब है अगर ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा अगर कुछ फिगर दिया हुआ है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ये ए और ये है, छह साइड हो रहा है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए, ये करेंगे तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। कोई भी फिगर का अगर आपका टोटल जो बाउंड्री लेंथ है, कोई भी क्लोज्ड फिगर का, इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड फिगर का आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ओपन फिगर रहेगा, इफ यू गेट लाइक दिस अ फिगर, यू कैन नॉट फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस, बट अ फिगर इफ इट इज गिवन लाइक दिस ऑफ थ्री साइड यू कैन फाइंड, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड, दिस इज ओपन फिगर राइट। तो क्लोज्ड फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। एंड व्हाट इज पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द every simple closed figure is called as perimeter, just the addition, the sum of all the boundaries, length of all the boundaries. ye ho sakta hai, aise bhi ho sakta hai, I am having a structure for like this, this is a, this is b, this is c plus d, so if it is inequal, har ek side jo inequal hai, to iska kya karenge, a plus b plus c plus d equal to perimeter, perimeter ye aapka perimeter hoga, ठीक है। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सिंपल क्लोज फिगर इज नोन एज पेरीमीटर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एरिया, मेजरिंग द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व इज कॉल्ड एज एरिया। मतलब ये जो कर्व का, ये जो बीच वाला, यहाँ पे देखिए, ये तो एक पेरीमीटर हो गया, तो
फिगर का जो ये जो पोर्शन ये कैप्चर कर रहा है, इसको कहा जाता है एरिया। एरिया कहा जाता है क्या, इसका जो क्लोज फिगर है इसको कहा जाता है। सो एरिया द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड इन अ सिंपल क्लोज ग्राफ इज कॉल्ड एज एरिया। क्लोज्ड मतलब ये जो साइड यहाँ पे एक देखिए क्लोज फिगर बन रहा है ना, तो ये तो कुछ एरिया, ये तो कुछ जगह लेके रहेगा ना। वो जो जगह का जो मेजर है, वो जो मेजर ऑफ दैट जगह और द प्लेस दैट इज कैप्चरिंग इज कॉल्ड एज एरिया। जैसे यहाँ पे करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये करेंगे हम लोग को इसको अगर सी को करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई 8, ये भी सी बाई 8, इतना इतना सब पार्ट क्या हो जाएगा सी बाई 8। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतना सा पार्ट हो जाएगा बी बाई 10। इतना पार्ट का जो एरिया है वो हो जाएगा आपका सी बाई 8 इंटू बी बाई 10। इसको अगर हम लोग करेंगे इंटू 8 इंटू 10, 10 इंटू 8 करेंगे तो टोटल आपका इसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ सी इंटू बी, तो ये आपका एरिया यहाँ से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे कैसे आ रहा है, जस्ट अब जानिए पहले एरिया क्या होता है। आई विल टेल एवरीथिंग, एवरी डिफरेंट फिगर हैज डिफरेंट एरिया लाइक फॉर्मूलाज, आई विल टेल दैट राइट। सो एरिया इज नथिंग बट मेजर ऑफ अ रीजन इनक्लोज्ड इन अ सिंपल क्लोज फिगर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आई एम नॉट सेइंग इन दिस क्लास, बट जस्ट टेल यू अबाउट द आइडिया, अ बेसिक आइडिया अबाउट वॉल्यूम। सो इफ अ स्ट्रक्चर इज इन 3D, अगर 3-dimensional स्पेस में जैसे कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक बिल्डिंग है, मेरा ड्रॉइंग उतना खास नहीं है, ऐसी बात है मैं पेंटर तो हूँ नहीं, तो ऐसा है आपका बिल्डिंग, इसका जो टोटल जो इसका जितना स्पेस तो ले रहा है नीचे का, बस ये जो स्पेस, ये स्पेस में जितना स्पेस है, मतलब प्लेस जितना ले रहा है ये स्पेस में, जैसे कि मेरा एक यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा एक लेंथ है, एक हाइट है, मेरा एक विड्थ है, मेरा एक हाइट है, मेरा एक लेंथ है, तो ये तीनों का मैं अगर मैं लेके मेरा जो टोटल स्पेस में अगर मैं देखूँ कितना स्पेस मैं ले रहा हूँ 3D-dimensional प्लेस में, तो वो हो जाता है वॉल्यूम। जस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सॉलिड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। मतलब ये आपका टोटल जो एरिया है ये आपका हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए नीचे वाला पार्ट यहाँ से अगर ऐसे रहेगा, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया, और इसी के ऊपर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया वॉल्यूम राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आई हैव गिवन अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज वॉल्यूम राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स। फर्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग एकदम आपको ये से दावे के साथ कह सकते हो व्हाट इज ट्रायंगल, यू नो फिगर इनक्लोज्ड बाय 3-line सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो उसका जो हाइट है और उसका जो बेस है उसको हाफ करके इंटू, अगर बेस का जो मेजर है मान लीजिए बी है, इसको ले लेते बी, हाइट को ले लेते बी इंटू एच, ये करेंगे तो इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, इसको मान लीजिए ए बी सी है तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जस्ट बाउंड्री का टोटल लेंथ जो है वो आपका पेरीमीटर। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब इसको कहते हैं रेक्टेंगल जिसका रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। तो अपोजिट साइड जो है इक्वल होता है और आपका जो हर एक एंगल होता है वो 90° होता है, मतलब राइट एंगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे करेंगे, टोटल बाउंड्री निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक लेंथ का यह मेजर है, अब ये इक्वल टू ये है तो ये भी एल हो जाएगा, इसका मान लेते हैं बी है, ये अब ये इक्वल टू ये भी बी हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग टू, मतलब ऐसे कर सकते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ऐसे जाएंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है, मतलब यहाँ पे टू एल प्लस टू बी लिख सकते हैं, यानी टू बाहर ले लेंगे तो एल प्लस बी टू इंटू एल प्लस बी, वही आ जा रहा है आपका पेरीमीटर, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा, अब इसी पार्ट का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा छोटा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, एल को मतलब 10 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर दिया, इसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो छोटा वाला पार्ट हो जाएगा एल बाई 10, ये भी हो जाएगा बी बाई 10, तो छोटा वाला पार्ट का एरिया होगा एल बाई 10 इंटू बी बाई 10, ये करेंगे तो छोटा वाला। अब टोटल कितना है स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर है आपका 10 इंटू 10, ये 10 टाइम्स है, ये भी 10 टाइम्स है, तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा एल इंटू बी,
मतलब सीधी सीधी बात है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ से साथ में ब्रेथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? आप डायगोनल निकालेंगे, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। डायगोनल देखिए, ये दिस इज द डायगोनल। सो यहां से लेके मैं इफ आई नेम इट ए बी सी डी, हियर बी डी इज द डायगोनल। ठीक है, तो बी डी इज द डायगोनल। वो कैसे निकालेंगे देखिए, इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं लूंगा बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी,